हेलो फ्रेंड्स, आज जो हमारा डिस्कशन है, लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था वही से आज हम इसे कंटिन्यू करते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार का टॉपिक हम लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, उसी को हम कंप्लीट करते हैं। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जनरल सिंह भिंडरांवाले का किस प्रकार से सरकार एक तरीके से उनकी एक इमेज बनाना चाहती थी, एक इमेज दिखाना चाहती थी कि जनरल सिंह भिंडरांवाले कितना ज्यादा पावरफुल इंसान है। किस प्रकार से जनरल सिंह भिंडरांवाले ने लाला जगत नारायण की हत्या का आरोप होने के बावजूद सरकार ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया बल्कि उन्हें जाने दिया। तो एक तरीके से जो जनरल सिंह भिंडरांवाले था, अब उसका नाम बहुत बड़ा हो गया था। तो उसी टॉपिक को आज हम इसे कंप्लीट करते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। अब जनरल सिंह भिंडरांवाले थे और उनके साथी अब क्या खालिस्तान की मांग को लेकर के अपनी आवाज उठाने लगे। खालिस्तान मतलब सिखों के लिए एक अलग देश। खालिस्तान की मांग बहुत तेजी से उठने लग गई थी और इसी बीच क्या हो रहे थे, दिल्ली में एशिया खेलों का आयोजन हो रहा था। दिल्ली में एशिया खेलों की तैयारी चल रही थी और ये 30 साल बाद, यानी भारत में, भारत देश की बात की जाए तो 30 साल बाद इतना भव्य कार्यक्रम आयोजित होने वाला था। तो इसको लेकर के भी सरकार का एक अलग ही था और ये पूरे को पूरे खेलों का आयोजन का जो छत्र छाया थी वो थी राजीव गांधी के कंट्रोल में, कि राजीव गांधी को देखना था कि एशिया खेल अच्छे से होने चाहिए। लेकिन वही जनरल सिंह भिंडरांवाले ने सरकार को चेतावनी दी थी कि वो दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। अब चूंकि अगर विरोध प्रदर्शन होता है तो इट मींस क्या होगा, विरोध प्रदर्शन के उसमें दिल्ली में हिंसात्मक घटनाएं भी हो सकती है, वायलेंस भी हो सकता है, राइट्स हो सकते हैं, दंगे हो सकते हैं। तो सरकार ने समझा, चूंकि जरूरी यही है कि दिल्ली में ये सारी चीजें घटना ना हो, तो इसके लिए जरूरी यह है कि पंजाब हरियाणा जो सीमा है, जो पंजाब हरियाणा बॉर्डर है, वहां पे ब्लॉकेज लगा दिया जाए और जो संदिग्ध व्यक्ति है उन्हें पंजाब सीमा बॉर्डर को क्रॉस ना करने दिया जाए, उन्हें दिल्ली ना पहुंचने दिया जाए। तो ये इसके उसमें सरकार ने ये काम किया। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें ये जो हुआ था कि अधिकांश सिखों को शक की नजर से देखा जाने लग गया था। जितने भी अधिकांश सिख थे उन्हें शक की नजर से देखा जाने लग गया था और जो हरियाणा के जवान थे, जो हरियाणा के पुलिस थे, वो सिखों को अपमानित कर रहे थे पड़ताल के नाम पर, यानी जांच पड़ताल के नाम पर उन्हें सिखों को अपमानित कर रहे थे। आम आदमी को तो अपमानित किया ही जा रहा था, लेकिन जो 1965 के जो हीरो थे एयर मार्शल अर्जुन सिंह, एयर मार्शल अर्जुन सिंह को भी अपमानित किया जा रहा था। उन्हें रोका गया, उनकी गाड़ी की चेकअप किया गया, गाड़ी को देखा गया एंड देन उन्हें बुरे शब्द भी कहे गए। तो एक तरीके से, और यहां तक कि 1500 सिखों को अरेस्ट भी कर लिया गया था। तो एक तरीके से सिखों के मन में आक्रोश था, सिखों के मन में एक गुस्सा था सरकार के प्रति, तो या कि जो हरियाणा की जो पुलिस थी उसके प्रति, और इसी चीज का फायदा उठाया था। जो सिखों के मन में जो गुस्सा था, जो सिख सरकार से नाराज थे, आक्रोश था, उसी चीज का फायदा उठाया था जनरल सिंह भिंडरांवाले ने। जनरल सिंह भिंडरांवाले ने इस चीज का फायदा उठाते हुए वो एक तरीके से सिखों को अब भड़काना शुरू कर दिया था। सिखों को इस तरीके से भड़का रहे थे कि भाई अब सिखों के साथ दोयम दर्जे की नागरिकता का व्यवहार किया जा रहा है, आम लोगों को तो अपमानित किया ही जा रहा है, साथ ही जो देशभक्त ऑफिसर है उन्हें भी नहीं छोड़ा जा रहा है, जनरल सिंह भिंडरांवाले का यह कहना था। तो एक तरीके से एक अलग ही घटना घट रही थी। लेकिन इसी बीच अब जो मेन था कि जो उस टाइम के जो नरमपंथी थे, इन सबसे जो वहां के जो नरमपंथी सिख थे उनकी बात अब दब रही थी और जनरल सिंह भिंडरांवाले की बात उठ रही थी। अब सिखों को भी लगने लग गया था कि देश जो सरकार है उनके प्रति किस प्रकार का रवैया अपना रही है। और वहीं अब जनरल सिंह भिंडरांवाले ने एक दूसरा काम किया, एक दूसरी घटना हुई और इस बार निशाने में पुलिस थी। जो पंजाब के पुलिस थे, जो पंजाब के डीजीपी थे ए एस अटवाल, वो क्या कर रहे थे, वो जनरल सिंह भिंडरांवाले के खिलाफ वो कार्रवाई कर रहे थे। अच्छी खासी इंक्वायरी चल रही थी। तो अब जनरल सिंह भिंडरांवाले के निगाह पर ए एस अटवाल स्वर्ण मंदिर गए, ये गोल्डन टेम्पल गए मत्था टेकने। लेकिन जब वो वहां से वापस आ रहे थे तो उनके ऊपर किसी ने गोली चलाई और उनकी जो बॉडी थी वो वहीं पे उनकी डेथ हो गई, सीढ़ी पर ही। और उनकी बॉडी सुबह से शाम तक वहीं थी, लेकिन उसके बावजूद किसी भी ऑफिसर ने उनकी बॉडी लेकर नहीं गए, क्योंकि जनरल सिंह भिंडरांवाले का एक तरीके से इतना बड़ा उसने एक अपना वो बना के रखा था, लोगों को भयभीत करके रखा था। फिर खुद सीएम,
दरबारा सिंह ने जब जगराज सिंह भिंडरांवाले को फोन किया और एक तरीके से मिन्नत मांगी कि भाई आप डीजीपी को जाने दें, एएस अटवाल की बॉडी को लेकर जाने दें उनके ऑफिसर्स को, तब फिर उसके बाद जनरल सिंह भिंडरांवाले ने माना और उसके बाद एएस अटवाल की बॉडी को लेकर गए। अब मीडिया जो थी, मीडिया इनसे, मीडिया दरबारा सिंह से पूछने लगे कि आखिरकार ये पंजाब में ये सारी चीजें हो क्या रही है, पंजाब में ये जो घटनाएं घट रही है इसके बारे में आपको क्या कहना है। देन दरबारा सिंह का कहना था कि ये पूरी पूरी जो घटना हो रही है ये इसकी आप जानकारी आप देश के जो होम मिनिस्टर उनसे आप ले सकते हैं, ज्ञानी जैल सिंह, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर उन्हीं के कंट्रोल में है। एक्चुअली जो दरबारा सिंह थे वो जनरल सिंह भिंडरांवाले के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते थे जब डीजीपी की हत्या हो गई थी उसके बाद, और उन्होंने इंदिरा गांधी को एक लेटर भी लिखा था जिसमें कहा था कि अमृतसर में पुलिस को भेज देना चाहिए ताकि जनरल सिंह भिंडरांवाले को पकड़ा जा सके। लेकिन इंदिरा गांधी ने जैल सिंह से परामर्श लिया और जैल सिंह ने इंदिरा गांधी को अमृतसर में पुलिस भेजने से इनकार कर दिया, और इसके बाद ये क्या हुआ और इंदिरा गांधी ने इनकार कर दिया। जब इंदिरा गांधी ने इनकार कर दिया तो इससे जो जनरल भिंडरांवाले थे उसका एक तरीके से और ज्यादा हौसला बढ़ गया। लेकिन चूंकि बहुत ज्यादा पंजाब में उथल पुथल मची थी और पंजाब में आतंकवाद की घटनाएं हो रही थी, एक तरीके से बहुत ज्यादा हिंसात्मक घटनाएं हो रही थी, वायलेंस की घटनाएं हो रही थी, तो इंदिरा गांधी ने एक बड़ा राजनीतिक फैसला लिया। इंदिरा गांधी ने राजनीतिक फैसला लेते हुए कहा कि जो उस समय के जो होम मिनिस्टर थे ज्ञानी जैल सिंह को देश का प्रेसिडेंट बना दिया जाए, देश का राष्ट्रपति बना दिया जाए। उसके पीछे उन्होंने कारण दिया क्योंकि इससे सिखों के अंदर जो भावनाएं हैं, जो उन्हें लग रहा है कि उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जा रहा है, क्योंकि जनरल सिंह भिंडरांवाले ने यही कहा था, तो इससे सिखों की भावनाएं आहत नहीं होगी और जो पंजाब में टेररिज्म की एक्टिविटी है वो टेररिज्म की एक्टिविटी रुकेगी। लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इवन जब राष्ट्रपति बन गए जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह, तो उसके एक महीने बाद अकाली दल जो लोंगोवाल के नेतृत्व में, जो लोंगोवाल थे अकाली दल के उस समय नेतृत्व कर रहे थे, तो लोंगोवाल के नेतृत्व में अकाली दल ने अनंतपुर रिजोल्यूशन को इम्प्लीमेंट कराने के लिए एक तरीके से अहिंसक आंदोलन शुरू कर दिया, नॉन वायलेंस मूवमेंट शुरू कर दी, जिसके तहत वो गिरफ्तारियां देना शुरू कर दी, अरेस्ट होना शुरू कर दी, और देखते देखते 30,000 अकाली जो दल के थे 30,000 सिख अरेस्ट हो गए। लेकिन इसका प्रभाव अलग ही पड़ा। लेकिन इसी बीच एक जो बड़ी घटना घटी, एक बड़ी घटना घटी कि जो बस चलती थी पंजाब में, बस चल रही थी कपूरथला से जालंधर, कपूरथला से जालंधर जाने वाली बस को बीच में रोका गया रात में, और उससे जो हिंदू, जो वहां पे हिंदू जो बैठे थे उनको बस से निकाला गया और उनको गोली मार दी गई और उनकी हत्या हो गई। तो ये एक बहुत बड़ी घटना थी, इससे पूरे पूरे पंजाब में एक उथल पुथल मच गया। और इस घटना के एक दिन बाद ही दरबारा सिंह की गवर्नमेंट को बर्खास्त कर दिया गया, दरबारा सिंह की जो सरकार थी उसे हटा दिया गया और पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। इसे इंदिरा गांधी की सबसे बड़ी गलती कहा जाता है, क्योंकि दरबारा सिंह जो थे, दरबारा सिंह एक ऐसे लीडर थे जो जनरल सिंह भिंडरांवाले के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते थे और वो कर भी रहे थे जब डीजीपी की हत्या होने के बाद। लेकिन अब जो दरबारा सिंह थे, दरबारा सिंह का एक तरीके से केंद्र सरकार के साथ कम्युनिकेशन पूरी तरीके से खत्म हो गया था और जनरल सिंह भिंडरांवाले को इसका फायदा मिला। और इसके बाद ही, एक महीने बाद ही, फिर दोबारा इसी तरह की घटना हुई। इस बार अमृतसर से चंडीगढ़ जाने वाली बस के साथ ही हुई, अमृतसर से जो चंडीगढ़ जो जाने वाली बस थी उसे बीच में रोका गया और उसके फिर हिंदू, जो हिंदू सवारी बैठी थी उसको फिर नीचे उतारा गया और फिर गोली मार करके उनकी हत्या कर दी गई। तो इस प्रकार से घटनाएं घट रही थी। और इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि रात को बस का चलना इनकार कर दिया गया कि रात को अब कोई बस नहीं चलेगी पंजाब में। एक्चुअली जनरल सिंह भिंडरांवाले ये चाह रहे थे, एक्चुअली इसका जो दूसरे राज्यों के ऊपर भी इफेक्ट पड़ रहा था, ये जितना भी गोलीबारी हो रही थी इसका दूसरे राज्यों के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा था। हरियाणा में 9 सिखों को इकट्ठा करके उन्हें गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और 3 गुरुद्वारे को ध्वस्त कर दिया गया था, जो हरियाणा में ये सारी घटनाएं घट रही थी। और जो जनरल सिंह भिंडरांवाले चाह रहे थे, जनरल सिंह भिंडरांवाले का मानना था कि भाई
क्योंकि इस प्रकार की घटनाओं से पंजाब से सारे हिंदू चले जाएंगे और जो दूसरे अन्य राज्य हैं, जो दूसरे अन्य स्टेट में जितने भी सिख हैं, वो सारे के सारे पंजाब में इकट्ठा हो जाएंगे। तो एक तरीके से सरकार को चुनौती देना था, एक तरीके से ये सरकार के लिए एक तरीके से बहुत बड़ी चुनौती का काम था कि ये सारी घटनाएं घट रही थी। इसके बाद और घटनाएं घटी, इसके बाद और जो मेन हुआ था वो देखा जाए तो अब इंदिरा गांधी के सामने अगर देखा जाए तो अमृतसर में ये पूरी की पूरी घटनाएं घट रही थी, लेकिन उसके बावजूद इंदिरा गांधी जनरल सिंह भिंडरांवाले के खिलाफ किसी भी कोई भी कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं थे, कोई भी कार्रवाई करने से वो बच रहे थे जनरल सिंह भिंडरांवाले के खिलाफ। और अमृतसर में अब जनरल सिंह भिंडरांवाले अब क्या कर रहे थे, वो जितने भी वेपन थे, जितने भी हथियार थे, अब वो उसको जुटाने में लग गए थे जनरल सिंह भिंडरांवाले। और अब ये हथियार जुटा करके वो क्या कर रहे थे, वो एक तरीके से अब वो गोल्डन टेम्पल पर अधिकार करना चाहते थे, वो स्वर्ण मंदिर पर अधिकार करना चाहता था और उसने अकाल तख्त पर अधिकार कर लिया। जनरल सिंह भिंडरांवाले और उनके साथियों ने अकाल तख्त पर अधिकार कर लिया। अकाल तख्त के बारे में बात किया जाए तो अकाल तख्त का निर्माण 16वीं सदी में किया गया था, 16th century में किया गया था। अकाल तख्त का निर्माण करते हुए अकाल तख्त बनाया गया था अनंत काल के लिए। ऐसा कहा जाता था जो उस समय मुगल बादशाह थे, मुगल बादशाह की जो गद्दी थी उससे 1 फुट ऊंचा अकाल तख्त बनाया गया था, जो मुगल बादशाह की गद्दी से 1 फुट ऊंचा बनाया गया था, ताकि ये बताया जा सके कि भाई ईश्वर की जो जगह है जो कोई भी बादशाह नहीं ले सकता, यानी बादशाह की जगह से ऊपर ही ईश्वर की जगह होती। तो ये सारी चीजें, और वही अकाल तख्त के ही दरबार से, अकाल तख्त से ही जितने भी गुरु थे वो पूरे के पूरे आदेश जारी करते थे, हुक्मरान जारी करते थे। और अकाल तख्त का अपना एक धार्मिक महत्व था और साथ साथ उसका राजनीतिक महत्व भी था अकाल तख्त का। तो इस प्रकार से अकाल तख्त को उन्होंने कंट्रोल कर लिया, अकाल तख्त पे अधिकार कर लिया। लेकिन अब जो था, इंदिरा गांधी के सामने कोई दूसरा रास्ता बचता नहीं था। इंदिरा गांधी के सामने रास्ता ये था कि वो जनरल सिंह भिंडरांवाले के साथ किसी भी प्रकार से वो समझौता कर ले, क्योंकि 10 महीने बाद पंजाब में इलेक्शन होने वाले थे, 10 महीने बाद पंजाब में इलेक्शन होने वाले थे, और इलेक्शन अच्छे से हो इसके लिए जरूरी था कि जनरल सिंह भिंडरांवाले और अकालियों के बीच जो भी समस्या है, जो भी है, उसका निवारण किया जाए। और इसके लिए, और चूंकि अकालियों को भी अब पता चल गया था कि जो जनरल सिंह भिंडरांवाले हैं उसका उनका कदम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और अब जो अकाली दल वाले हैं अब उनकी जगह नहीं ले सकते। तो इस प्रकार की गतिविधि थी। अगर इसके अलावा और अगर हम बात करें तो अब इंदिरा गांधी ने क्या किया, नरसिम्हा राव को अपॉइंट किया। नरसिम्हा राव को अपॉइंट करने का उनका सबसे बड़ा रीजन था कि जो उस टाइम के जो अकाली थे और जो जनरल सिंह भिंडरांवाले के बीच समझौता किया जा सके। नरसिम्हा राव ने बोला कि अब अनंतपुर, जो अनंतपुर कॉरिडोर था, अनंतपुर कॉरिडोर को वो अनंतपुर जो रिजोल्यूशन था, अनंतपुर रिजोल्यूशन को वो इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार है। इट मींस कि जो पंजाब को चंडीगढ़ देने के लिए वो तैयार है, लेकिन ये जो समझौता है इससे जनरल सिंह भिंडरांवाले को इस समझौते पर हस्ताक्षर करना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा। लेकिन जनरल सिंह भिंडरांवाले इस तरह के किसी भी हस्ताक्षर करने से वो समझौते से इनकार कर दिए। अब जब मीडिया ने उनसे पूछा कि भाई आप जनरल सिंह भिंडरांवाले आप सरकार का किस प्रकार से आप मुकाबला कर सकते हो, चूंकि आपके पास इतने वेपन भी नहीं है, आपके पास इतने एडवांस टेक्नोलॉजी भी नहीं है और सरकार के पास अपनी खुद की मिलिट्री है, तो उनका कहना था कि हम सरकार का सामना करेंगे, लेकिन अगर बाई चांस नहीं कर पाते देन बगल में पाकिस्तान है, 10 किलोमीटर में पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है, हम वहां पे चले जाएंगे और वहां से हम गोरिल्ला वॉर करेंगे। यह जनरल सिंह भिंडरांवाले का कहना था। तो एक तरीके से सरकार को साफ चुनौती दी जा रही थी। अब इसी बीच जो सबसे बड़ा डिसीजन लिया इंदिरा गांधी ने, 1 जून 1984 को, 1 जून 1984 को मिलिट्री को, एक तरीके से जो सेना को, यह पूरा मामला दे दिया कि वो अकाल तख्त और वो गोल्डन टेम्पल को खाली करवाए और जनरल सिंह भिंडरांवाले के खिलाफ वो कार्रवाई करें 1 जून 1984 को। और सेना ने पूरे ऑपरेशन का नाम रखा, ऑपरेशन को कोडिफाई किया और इसका नाम रखा ऑपरेशन ब्लू स्टार। यानी ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था कि जनरल सिंह भिंडरांवाले से अकाल तख्त और गोल्डन टेम्पल को खाली करवाना और पंजाब से टेररिज्म को खत्म करना, ये ऑपरेशन ब्लू स्टार का पूरा का पूरा वो था। ऑपरेशन ब्लू स्टार जो दिया था ये कुलदीप सिंह बरार के नेतृत्व में हुआ था, 9वीं रेजिमेंट थी, 9वीं डिवीजन थी,
जिन्होंने पूरा का पूरा नेतृत्व किया था। अब इसके बाद जो हुआ था कि 6 जून को अकाल तख्त को खाली करने के लिए सेना ने तैयारी की, और अकाल तख्त को खाली करने के लिए टैंकर की जरूरत थी, टैंक की जरूरत थी, और टैंक का यूज किया गया जिससे अकाल तख्त को थोड़ा सा नुकसान भी पहुंचा था, अकाल तख्त को क्षति भी पहुंची थी। और इसके बाद अब चूंकि जनरल सिंह भिंडरांवाले को लग रहा था कि जो मिलिट्री है वो गोल्डन टेम्पल के अंदर नहीं घुसेगी, और अगर घुसेगी तो हम उसे देख लेंगे, ये जनरल सिंह भिंडरांवाले का कहना था। लेकिन जो मिलिट्री थी, मिलिट्री ने अपना काम किया, और 6 जून के बाद फिर 7 जून को उन्होंने एक तरीके से ऑपरेशन ब्लू स्टार खत्म हो गया तब जब जनरल सिंह भिंडरांवाले की बॉडी मिल गई 7 जून को। ये ऑपरेशन ब्लू स्टार में 87 जो मारे गए थे, जो इंडियन सिपाही मारे गए थे, और इनमें 4 जो थे ऑफिसर रैंक के थे, और 248 जो सिपाही थे वो घायल हुए थे ऑपरेशन ब्लू स्टार में। अकाल तख्त को नुकसान पहुंचा था और स्वर्ण मंदिर में भी गोलीबारी चली थी। जो ज्ञानी जैल सिंह भी इससे नाराज थे, ज्ञानी जैल सिंह का कहना था क्योंकि पंजाब में इतनी सारी घटनाएं घट रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी राष्ट्रपति को किसी भी चीज के बारे में उनसे परामर्श नहीं लिया गया इंदिरा गांधी का। ज्ञानी जैल सिंह का कहना था कि भाई जो खुफिया एजेंसी है हमारी वो 2 महीने तक क्या कर रही है, जो खुफिया एजेंसी वो 2 महीने तक क्या कर रही है, कि जनरल सिंह भिंडरांवाले को तभी क्यों नहीं रोका गया जब वो अमृतसर में अपने हथियार इकट्ठे कर रहा था, उसे तभी रोका जाना चाहिए था, लेकिन उसे तब नहीं रोका गया। और उसके बाद फिर आपने इस प्रकार की एक्टिविटी की, तो एक तरीके से ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना था और सिखों की भावनाओं को भी आहत नहीं होने देना था। तो इसमें इंदिरा गांधी का कहना था बिकॉज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर का जो था वो पंजाब सरकार के पास था, लेकिन ज्ञानी जैल सिंह ने कहा कि भाई राष्ट्रपति शासन लागू था और पंजाब के जो पूरे के पूरे मैटर को आप ही देख रहे थे, तो उसके बावजूद ये सब हुआ। तो इस तरीके की घटना हुई ज्ञानी जैल सिंह ने कहा। अब अकाल तख्त को निर्माण करने के लिए सरकार ने प्रस्ताव रखा कि अकाल तख्त जो क्षति हुई थी उसको निर्माण वो करेंगे, लेकिन सिखों ने उसके लिए इनकार कर दिया। सिखों ने कहा कि अकाल तख्त का निर्माण वो खुद कर लेंगे, बिकॉज ऑफ सिखों की भावनाएं आहत हुई थी कि उनके एक तरीके से गुरुद्वारे पे स्वर्ण मंदिर पर अटैक करना था, तो एक तरीके से सिखों की पूरी पूरी भावनाएं आहत हुई थी। इसके बाद जैसे ज्ञानी जैल सिंह ने भी अपनी किताब में लिखा है कि वो बार बार सरकार को इनकार कर रहे थे कि सिख और भिंडरांवाले के खिलाफ अगर कोई भी कार्रवाई कर रहे हैं तो उसमें कोई भी भड़काऊ कदम ना उठाए सरकार, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। फिर इंदिरा गांधी के सचिव ने भी अपनी बुक में लिखा था कि जो भी बात कही जाती थी वो प्रेसिडेंट ऑफिस से लीक हो रही थी, इसलिए प्रेसिडेंट से किसी प्रकार का कोई विचार विमर्श नहीं किया जा रहा था क्योंकि बातें लीक हो रही थी। अब ये ऑपरेशन ब्लू स्टार जब खत्म हो गया तब उसके बाद जो इंदिरा गांधी से कहा गया बिकॉज ऑफ सिखों की भावनाएं आहत हुई थी, तो उनका ये कहना था कि भाई जो उनके सिख गार्ड है सिख गार्डों को हटा दिया जाए, और इंदिरा गांधी का कहना था कि सिख गार्ड को क्यों हटाया जाए, बिकॉज ऑफ हमारा जो कंट्री है, हमारा देश है, वो एक सेकुलर कंट्री है, एक धर्म निरपेक्ष देश है, और अगर सिख गार्डों को हटाया जाता और उनकी कोई गलती नहीं तो एक तरीके से उनका अपमान करना होगा, और वो ये नहीं करना चाहती। तो एक तरीके से इस प्रस्ताव को इंदिरा गांधी ने इनकार कर दिया। तो दूसरा प्रस्ताव रखा गया कि सिख गार्ड के साथ एक इंडियन सिख गार्ड के साथ एक अन्य गार्ड को भी रखा जाएगा, लेकिन इस चीज को भी कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। और उसके बाद फिर बाद में जब इंदिरा गांधी एक रैली में भाषण दे रही थी उसके बाद एक उनके खुद के सिख गार्ड ने उन्हें गोली मार करके उनकी हत्या कर दी, तो इस प्रकार से उनका एसेसिनेशन हुआ। तो इस तरीके से इंदिरा गांधी की डेथ हुई। तो ये जो हमारा पूरा का पूरा लेक्चर था, पूरा वीडियो यहां से कंप्लीट होता है ऑपरेशन ब्लू स्टार। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस डिस्कशन।